तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हमारे संग है कुणाल भाई। कुणाल भाई, जिसमें तुमने कल छेद किए थे पतंग में, चिड़ा वाली में, वाली पतंग पे तुम कन्ने बांध के दिखाओ हमें अब। तो पहले बता दो छेद कैसे करते हैं, इधर को आओ। देखिए, हमने तो पहले से छेद करके रख रखे थे। एक ऊपर पतंग दिखाओ, कहाँ लेके जाके भागे फिर रहे हो तुम कुणाल। तो भाई एक छेद सीख के ऊपर और एक नीचे, अभी कुणाल, और दो पीछे, एक हाथ की दूरी पे ज्यादा से ज्यादा। तो अभी कुणाल भाई करके दिखाएंगे आपको कन्ने कैसे बांधते हैं। तो गाइस पूरे दो हाथ का मंजा लेना है और उसको डबल कर लेना गाइस, ऐसे करके डबल कर लेना। यहाँ पे एक गांठी मार दी, फिर पतंग उठा ली अपनी, ये एकदम बेहतरीन छिड़क। और गाइस गोल, जो गोल वाली सीख होती है वो देख के लाना पतंग, एकदम सीख जो होती है गोल वाली, एकदम गोलाई में हो, और ये वाली ना ज़्यादा ढीली हो और ना ज़्यादा टाइट हो। तो करने का तो हमने आपको बता ही दिया। अब देखो यहाँ से निकाला और ये सीक जो होती है सीक के ऊपर से ऐसे करके इधर निकाल लिया, और यहाँ मैक्सिमम चार गांठी बांध दी बस। इससे कन्ने आपके टूटेंगे नहीं जल्दी से, और कन्नों पे सारा भार आगे वाले कन्नों पे होता है, पीछे तो आप तीन भी बांध दो कोई दिक्कत नहीं। और बस फिर मंजा पूरा ऐसे कर लिया, पतंग पकड़ी अपनी, पीछे वाली तरफ गांठी बांध दी ऐसे सीख के ऊपर से लेके जाके, फिर यहाँ पे मैं चार गांठी बांध लेता हूँ थोड़ा दूर। तो फिर ऐसे कर लेना, सबसे इजी तरीका कन्ने बांधने का, ऐसे पकड़ा और पतंग आप नीचे रख लेना, इसमें आपको आसानी होगी। ऐसे कर लेनी है और ये वाली इतनी रखनी है आगे वाले कन्ने से दो उंगली ज्यादा, और पीछे वाला पीछे वाले कन्ने तक बस। फिर यहाँ गांठी बांध देनी, ये कन्ने रेडी हो गए एकदम मस्त। तो गाइस ऐसे थोड़ा, फिर एक बड़ी वाली गांठी लेनी है पीछे वाले कन्ने पे ऐसे बांध देनी है, ये कन्ने हो गए एकदम परफेक्ट, पतंग हो गई रेडी। अब हम आपको उड़ा के दिखाते हैं, वहां दूर पर उड़ रही है पतंगे दो तीन, इनकी काटेंगे लेके जाके अभी। तो पहले वाली पतंग टेस्ट करते हैं, बता दिए ऊपर की खींच मारेगा नीचे की। तो ये हमारी पतंग पार हो रही है बेहतरीन, ये हमें एक पतंग पड़ी है 10 रुपए की, इतनी बढ़िया पतंग है लंबे पेचों की। तो यहाँ पे एक भैया है उनसे लंबे पेच लड़ाते हैं हम, इसलिए वाली पतंग लेके आए हैं। तो भाई पतंग एकदम सीधी चलती है, ये मैंने ना ठीक करी ना कुछ, एकदम खैच में सीधी। तो अब पतंग उतारते हैं, अब चिड़ा टेस्ट करेंगे जिसके आपके कन्ने बांध के दिखाए थे। देखिए भाई ये 10 रुपए की पतंग जो है, इसके ठड्डे और कमान देखिए, एकदम सिक्यू सीख की पतंग है, कागज बहुत बढ़िया है इसका, पतंग एकदम बेहतरीन लंबे पे अच्छी लड़ाने की है। तो चिड़ा पतंग टेस्ट करते हैं अपनी, ये भी पतंग ज्यादा लो 50, तो ये आप 5 रुपए की पड़ती है पतंग, 100 पतंगे लेने में। तो देखो इसका भी छट्टा कमान बहुत बढ़िया है, पेपर भी बहुत बढ़िया है इसका। तो इसे उड़ाते हैं, चेक करते हैं। कर दी,
गाइस मैं आपको एक बात बताना और चाहता हूँ, जब भी आप लंबे पेट के लिए पतंग उड़ाओ पतंग बिल्कुल चेक कर लेना पहले सर्दी में उड़ा के खैच में सीज कर लिए तो ये हल्की सी इधर भाग लिया, हम बताते हैं कैसे सही करें इसे पतंग उतार के। तो देखो जैसे पतंग इस तरफ को ज्यादा जा रही है तो इसकी इधर वाली सीख यहां से ऐसे पकड़ के हल्की सी ऊपर कर देनी है, ज्यादा भाग रही है तो ज्यादा ऊपर कर दो। अब ये पतंग जो है एकदम सीधी चलेगी, चेक करके दिखाते हैं। तो पेड़ पतंग पेड़ पे अटक गई थी, निकालिए। अब जो पतंग है इधर को ज्यादा भागने लग गई थी तो फिर इसकी सीख हल्की सी इधर से मोड़ दी उसकी अपोजिट साइड इधर घूमी और ये पतंग एकदम सीधी हो गई है सीख इसकी। अब ये पतंग 100% खैच में सीधी चलेगी। इसी साइज की है, बढ़िया पेपर है एकदम पतंग का और ये भी बहुत बढ़िया पतंग है। इसका अब टेस्ट करते हैं, फिर इस पतंग को पार करेंगे, ये उससे ज़्यादा बेटर होती है उड़ने में, है सेम ही पर इसके पेपर क्वालिटी उससे थोड़ी ज़्यादा है बढ़िया। ये वाली पतंग इसके कन्ने बांध के उड़ाते हैं। और गाइस हम कल उड़ा रहे थे वाली पतंग, वीडियो में डाला है, कट गई थी हमारी पतंग, बिल्कुल भी हवा नहीं थी उस टाइम, तो जैसे ना तैसे बढ़ाई थी। तो ये हमारी पतंग है सारी अभी तैयार है, जब मार्केट जाएंगे तो आपको वीडियो भी बनाते हुए दिखाएंगे पतंग कहाँ से लाते हैं, क्या रेट है और कैसे मिलती है कैसे नहीं। ये पड़ा हमारा गट्टू बट्टू, तो ये है हमारे कैमरामैन कुणाल भाई, हाय करो गाइस। हाय। तो गाइस हमने पतंग तो रेडी कर ही ली है, कन्ने भी बांध लिए हैं एकदम परफेक्ट, तो अभी सीधा खैच मारते दिखाएंगे आपको पतंग पे कैसी चल रही है। तो अब खैच मार के दिखाते हैं आपको पतंग पे एकदम सीधी चल रही है पतंग। अभी से सीधी करके हो ही गई है, ये लगभग सीधे पड़ाएंगे, अभी इससे पेचे लड़ाएंगे हम पतंग उड़ रही है। पतंग बांध लिए हमें एकदम बढ़िया हो गई है पतंग, सीधे से पार करते हैं पीछे लगने वाली। अरे पतंग क्रैश हो गई, हमने इसका खड्डा नहीं मोड़ा, तो इसका खड्डा मोड़ते हैं। तो गाइस कमेंट करके बताना आप कसम ये वाला कांड कितनी बार हुआ है सीख टूटने का,
मेरे संग तो हो चुका है बहुत बार। लो पतंग का उद्घाटन भी हो गया, फट गई है। तो टेप मंगाते पहले नीचे से, फिर पतंग चिपका के फिर उड़ाएंगे। तो टेप चिपका लिया, अब पतंग उड़ाते हैं। हवा भी बड़ी मस्त हो रही है। तो हमारी पतंगें उड़ रही हैं अपनी जगह से, खिसक गई भाई साहब सारी पतंगें। हवा इतनी मस्त है भाई, मेरी पतंग पे नहीं उसकी पतंग पे। हो गया गायब हो गई उसकी तो, नीचे को घुसड़ लीजिए नीचे। अभी उड़ाया काटने, तो आज पतंग उड़ रही थी उसकी हम काटने आ रहे हैं। छत छत पे उड़ा रखी है बंदे ने, मुश्किल से 3 मंजिला घर जितनी उड़ा रखी है ऊपर। हम इसकी काटने जा रहे हैं। आई माँ, तो ये काट दी उसकी पतंग हमने, छूते ही पता नहीं लगी। ये छत छत पे उड़ा रखी, डबल मंजिला कर रखा था, पूरी पतंग हाथ से छोड़ दी बंदे ने। खैच मारता हुआ लेके गए, काट दी नीचे से। खैच मारनी बहुत आसान है, पीछे करने ऐसे नीचे से खैच मार दो टेढ़ी, पतंग की साइड कट जाती है आराम से। तो अब हमने एक पतंग उड़ा के दी, अब दूसरी कोई दिख नहीं रही। तो उड़ाने का दोपहर का समय है, एक उड़ रही है, वो बहुत दूर है उल्टी हवा में। रोक दो, जब पीछे करेंगे तब दिखाएंगे अब वीडियो में। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक का बटन दबा दबा के ही तोड़ देना।